हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जीके एंड जीएस के, जो है उन क्वेश्चंस पे जो कि आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडी परिषद और भी जितनी विभिन्न परीक्षाएं हैं, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स और भी जो इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं जिनमें क्वेश्चन जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके पर्पज़ से जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जो है वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी, वाराणसी, कराची, इलाहाबाद या फिर आपका यहाँ पे मुंबई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर होगा आपका, तो वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कराची में जो है सबसे पहले जो है डाक व्यवस्था जो थी वो उपयोग में लाई गई, जो कि पहले जो है सबसे सिर्फ ये जो है सरकारी जो कार्य होते थे, काम होते थे, उनके लिए इसका जो है प्रयोग किया गया था, जो कि 1887 में जो है इसे 1837 में 1837 में जो है ये क्या हुआ, आज जो आम आदमी यानी कि पब्लिक के लिए जो है डाक सेवा की जो सुविधा थी वो उन्हें जो है उनके लिए जो है चालू की गई। और जो जो पहला डाक टिकट था, पहला जो डाक टिकट था वो जो है 1 जुलाई 1852 को में जो है सिंध के जो है गवर्नर जो थे सर फेरे जो थे उनके द्वारा जो है ये एक हिसाब से जो है इसे क्या गया था, जारी किया गया था, कराची में इसे जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर हिंदी स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, या फिर शिमला में वायुदाब अधिक है, या फिर यह तुंगता पर है, उच्च तुंगता है, या फिर इसमें क्या है, यह शिमला में अत्यधिक बर्फ होती है। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है जो तुंगता होती है वो उच्च होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड होगा। अमृतसर जो है वो शिमला की अपेक्षा अधिक अमृतसर की अपेक्षा जो है शिमला जो क्या होता है वो अधिक जो है ठंडा होता है, तो इसलिए यहाँ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हाइट का जो डिफरेंस है इसकी वजह से, कि क्योंकि आपको पता होगा कि 165 मीटर की जो ऊंचाई पर जो होता है वो 10 डिग्री अथवा 1 किलोमीटर जो होता है की दूरी पे क्या होता है कि 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, गिर जाता है, इसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य को से निर्मित की जाती हैं। आपको यहाँ पे कि जो सीमांत सड़कें होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, उनका क्या पर्पज होता है, उद्देश्य क्या है, पड़ोसी देशों से व्यापार बंधन, पर्यटन, अन्य देशों के साथ धार्मिक बंधन, या फिर देश की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे दोस्तों वो आपका यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा, देश की सुरक्षा के लिए जो है इनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में चालू किया गया न्हावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इस बंदरगाह, ये जो बंदरगाह का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा, यहाँ पर ये महाराष्ट्र में जो है स्थित है। तो यहाँ पे ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में, तो जो कि इसे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के, ये जो है नवी मुंबई के निकट जो है स्थित है, और इसे जो है न्हावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा ऑप्शन थर्ड होगा। और अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो ये जो है आपका 26 मई 26 में 26 में 1989 में 26 1989 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट बनता है। और ये जो है एक जो इसके अगर रैंक की बात करें तो ये विश्व का जो है 33वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। तो यहाँ पे जो है आपको पता हुआ कि इसके जो उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ, वो हुआ 26 मई 1989 को। और अगर रैंक की बात करें तो ये विश्व का जो है 33वां 33rd नंबर का है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन है, लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या मॉर्गन। तो यहाँ पे आंसर जो होगा यहाँ पे जो आपकी ये बुक है यहाँ पे फिलोसफिक जूलॉजिक्यू
जिसका नाम है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो आपका होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। ये जो है बुक लैमार्क के द्वारा लिखी गई थी। जो ये जब बुक लिखी गई, इसका ईयर की बात करें तो 1809 यानी कि 1809 में जो इस बुक को लिखा गया। तो इसको इसके राइटर कौन है? लैमार्क सर जो है, मिस्टर लैमार्क हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बनता है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम चीता आबादी यहाँ नहीं पाई जाती है। तो किस जो है स्टेट में या फिर किस स्थान पे ये नहीं पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पश्चिमी घाट पर? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा आपका, पश्चिमी घाट पे जो है ये पाई नहीं जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग भी जो है अपना आंसर जो है मार्क करते रहिएगा। वीडियो के अंत में जो है आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर सही किया है। और वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कि इस क्वेश्चन के अलावा तो यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी घाट जो है उन पर क्या है, जो हिम चीता होता है वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये अधिकतर जो है आपका हिमालय पर्वत के जो है, जो उसका नॉर्थ रीजन होता है, उत्तरी क्षेत्र जो है वहाँ पे अधिकतर पर पाए जाते हैं। और तो यहाँ पे आंसर जो है आपका, जो ये जिनमें पाए जाते हैं उसमें जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, इनके कुछ भागों में, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है और भी इसमें जो है शामिल हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो है अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो अपने देश के कंट्री से जो सटी हुई, जैसे नेपाल हो गया, भूटान, चीन, इन सब इनके इनके जो है कुछ भागों में भी ये पाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका बनता है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? वर्षा जल फसल प्रणाली, तो यहाँ पे कौन सा जो है नहीं है घटक, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ होगा। दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचरे का दैनिक निपटान जो है हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, बाकी सभी के सभी इसके घटक हैं। तो कौन कौन से हैं? वर्षा जल फसल प्रणाली, छत पर सौर पैनलों का संस्थापन, कार्यालय संतावन, संवातन प्रणाली में वायु उपचार फिल्टर का संस्थापन, और ये फोर्थ जो दिया है वो इसका नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनता है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो यहाँ पे तीन जो है वो राष्ट्रीय अवकाश है, एक जो है वो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, यानी कि नेशनल हॉलीडे कौन सा नहीं है? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त यानी कि आपका जो है इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। तो यहाँ पे आपको बताना है, और 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती। तो इनमें से वो कौन सा है जो कि नेशनल हॉलीडे नहीं है? तो फ्रेंड्स आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, 2 अक्टूबर जो है ये नेशनल हॉलीडे नहीं है, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। तो इसे जो है इसके रूप में जो है गांधी जयंती के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं? यानी कि सूर्य का जो सूर्य की आखिरी जो किरण होती है, जो जब सूर्य जो है अस्त हो रहा होता है, तो उसकी जो किरणें सबसे लास्ट में किस राज्य पे पड़ती हैं? गुजरात, पौडुचेरी, गोवा, अंडमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जो कि पश्चिमी पश्चिम में पड़ता है। तो जब सूरज जो है सेट हो रहा था यानी कि अस्त हो रहा था, तो इस पे जो है सबसे आखिर जो यानी कि विदा वाली जो किरणें कही जा सकती हैं वो भर पड़ती हैं। और अगर सूर्य जो सूर्योदय होता है उसमें क्या, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी स्थल है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सर्वप्रथम सूर्य की किरणें जो है सबसे पहले पड़ती हैं, और गुजरात जो है ये सबसे पश्चिमी स्थल है यहाँ पर, इसलिए जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं भारत में जो है, भारत में सूर्य की किरणें जो है सबसे आखिर में जो है गुजरात पे पड़ती हैं। तो लास्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है? तो बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन थर्ड होगा, पंजाब का ये जो है एक लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए शिशु जन्म
जन्म देती है तो अपना गर्भाशय शिशु जन्म के लिए क्या करती है, अपना गर्भाशय किराए पर देती है, तो उस औरत को क्या कहा जाता है, उस महिला को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर उसे सरोगेट कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका बनता है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वो महिलाएं जो कि अपना जो है गर्भाशय जो है किराए पर, यानी कि जो है वो दूसरे के बच्चे को जो है वो उस सर्व करते हैं उसको, यानी कि पालन पोषण उसका जो एक जो साइकिल होता है उसको वो पूरे उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं जो कि वो किराए पे करती। तो आंसर यहाँ पे आपका बनता है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है, यानी कि किस इस पर जो है कंट्रोल होता है, ये किस मंत्रालय का होता है, किस मिनिस्ट्री का होता है, यहाँ पे यही बताना है। वन और जनजातीय कल्याण, वन और पर्यावरण, कृषि और ग्राम विकास, या फिर वाणिज्य और वस्त्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड फोर्थ होगा यहाँ पर, कॉमर्स एंड जो कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये कार्य करता है। तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, यहाँ पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है एक इसका जो है निकाय है, वैधानिक निकाय है, और जो सीएसबी है, जो आपका सीएसबी है, सीएसबी यानी कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1948 में इसकी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि ये जो है भारत सरकार द्वारा ये जो है कानून में लाया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन फोर्थ, यानी वाणिज्य और स्वास्थ्य में, और ये जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है आपका इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया या प्रदान किया गया था, तो उनका नाम बताना है जिनको कि 1998 में जो गरीबी और अकाल पर जो है उन्होंने स्टडी की, तो इसके लिए उन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका होगा, ये है मिस्टर प्रोफेसर अमृत सेन जो है उनको ये दिया गया था 1998 में। तो आंसर यहाँ पे क्या बनता है आपका, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, नील बोहर, फर्मी, आइंस्टाइन, ओपन हाइमर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो जो है उसका श्रेय किसको जाता है, वो किसने जो है उसको बनाया, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट होगा, माफ़ कीजिएगा थर्ड सेकंड होगा यहाँ पर, फर्मी, यानी कि एनरिको फर्मी जो है एक इटालियन के जो है ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, भौतिकविद थे, इन्होंने जो है सबसे पहले बनाया था। तो इसका आंसर क्या बनता है आपका, ऑप्शन सेकंड बनेगा, जो कि शिकागो पाइल फर्स्ट जो था प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, जो कि क्वांटम का जो सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत का विकास और न्यूक्लियर पार्टिकल जो फिजिक्स तथा और जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। जिन जिन क्षेत्रों का नाम बताया, जैसे क्वांटम सिद्धांत का विकास डेवलपमेंट और न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो थी उसमें उस यानी कि फील्ड में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। तो आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी को यहाँ पे पता चल गया है कि फर्मी क्या है ये, और के लिए इन्हें इनके योगदान के लिए इनको जो है परमाणु बम के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है, यानी कि कॉमर्शियल जो है क्रॉप कौन सी है, कपास, बाजरा, ज्वार, धान। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कपास जो है आपकी है कि ये नगदी फसल या व्यावसायिक फसल या कॉमर्शियल फसल के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, आप ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए, यानी इन चार में से वो कौन सी जो है कहानी है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा आपका, काबुली वाला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर, ये एक जो है लघु कहानी है जिसमें क्या होता है काबुल के जो है एक आप्रवासी व्यापारी के जो है कथा है, उसमें जो है उसके ऊपर लिखा गया है। वो क्या होता है, कोलकाता जो कोलकाता सिटी है उसमें क्या कोलकाता में क्या होता है कि एक जो है छोटी लड़की के साथ जो है उसके जो है फ्रेंडशिप होती है, तो उसी पे आधारित है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं होगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी सही है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल सही है, पीआईएल पब्लिक
इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे आपका फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर। तो ये जो आपको दिया है पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड, तो इसका जो PIL होता है ये होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका पूर्ण नाम जो होता है PIL का जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आंसर जो फोर्थ है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन फोर्थ होगा। ये क्या होता है, एक जो है जनहित की जो है रक्षा के लिए एक है कानून बनाया गया है, जो भारतीय कानून में जो है संविधान में जो है एक अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, जो कि जनता को जो यानी कि पब्लिक को क्या होता है डायरेक्ट रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है न्यायपालिका के साथ जुड़ने का एक जो है ये एक हिसाब से हथियार है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकारी फर्म का संतुलन, एकाधिकारी जो फर्म का संतुलन किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, जहाँ पे MR क्या होता है वो इक्वल टू क्या होगा MC के क्या होता है इक्वल होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा है आपका, ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि MR ये मार्जिनल रिवेन्यू होता है और MC क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये जो है क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिया था, तो उस कमेटी का नाम बताना है कि वो कौन सी कमेटी थी। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी जो थी उसने ये सुझाव दिया था कि भारत में जो है वित्तीय क्षेत्र जो है फाइनेंशियल जो क्षेत्र है एरिया है उस में जो है क्या जांच के सुझाव दिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड होगा। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या हुआ था, ये 9 सदस्यीय एक टीम थी जिसमें का जो है जो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो M. नरसिम्हन के द्वारा की गई थी, इसीलिए जो है इसे नरसिम्हन कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो गठन हुआ था ये गठन हुआ था अगस्त 1991 में, ये इसका गठन की बात करें तो अगस्त 1991 में जो है इसका गठन हुआ था किया गया था। और ये जो है 23 अप्रैल 1998 ईस्वी में जो है क्या हुआ इसने जो है सुझाव को सरकार को जो है सौंप दिया था। नाइन अगर सौंपने की बात करें तो 23 अप्रैल 1998 में। तो आंसर यहां पे क्या है आपका, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारतावाद निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट टाइम इसको इस आंसर है, तो इसका आंसर जो आपका है जो प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन जो होता है, लिबरलाइजेशन जो होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो है जो किस पर निर्धारित करता है इस चीज़ का जो है आंसर जो है इसी का पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आर्थिक कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन फोर्थ होगा। तो आर्थिक का जो आर्थिक सुधार होते हैं या उनकी जो कार्यक्रम होते हैं उस पर जो है ये आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक होता है, यानी कि जो फेस वैल्यू होती है जो उसका जो है जो सिक्के होते हैं उस पर जो लिखा होता है फेस वैल्यू उसी से ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर आपका फ्रेंड्स तो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि प्रतीक वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू जिसे कहा जाता है प्रतीक वैल्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कीमत अनम्यता किसका लक्षण है, कीमत अनम्यता किसका लक्षण है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन थर्ड आपका, अल्पाधिकारी यानी कि ओलिगोपॉली, जिसे ओलिगोपॉली कहा जाता है उसका ये लक्षण है। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड होगा। ये क्या होता है कि वस्तु जो होती है बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें क्या होता है विक्रेता की संख्या बहुत ही कम होती है, बेचने वालों की विक्रेताओं की क्या होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन जो है दो या दो से अधिक होती है जो संख्या होती है उसमें क्या होती है संख्या जो है बहुत ही जो यहाँ पे ओलिगोपॉली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जो विक्रेता होता है उसकी जो है संख्या जो है बहुत ही कम होती है, क्या होती है दो या दो से तो अधिक होती है, लेकिन बहुत मिनिमम जो है दो या फिर उससे अधिक होने के मिनिमम जो है दो ही रहती है। तो उस बाजार में जो वो वस्तु का जो अवस्था होती है उससे तो उसका जो विभेद होता है उन्हीं दोनों की तरह हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं ओलिगोपॉली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फांसीवाद इसमें विश्वास रखता है, तो फांसीवाद जो है किसमें विश्वास रखता है, जो फासिज्म था वो किसमें विश्वास रखता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर वहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा, वो शक्ति में विश्वास रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है बंधुता का सिद्धांत राज्य के उद्भव के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस एक का आधार है, तो क्वेश्चन नंबर 24th आपकी स्क्रीन पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका यहाँ पर, तो वो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सेकंड होगा, वो होगा आपका विकास का सिद्धांत, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, विकास का सिद्धांत होगा, जिसमें तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है प्रभुसत्ता का एक आत्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, अरस्तु, वार्डिंग, ऑस्टिन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा। ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि ये इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे, तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है आपका ऑप्शन थर्ड। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, 25 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो मैं 25 25 क्वेश्चन लगभग ला रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो दोस्तों इससे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और महत्वपूर्ण कमेंट अपने जो है महत्वपूर्ण सुझाव को मेरे साथ जो है कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।